वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कॉमन एरर का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले पार्ट में आपने काफ़ी बहुत सारे सेंटेंसेस देखे थे। अब देखिए नेक्स्ट कंटिन्यूअस उसके आगे देखिए, हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस है पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसके पीछे इस क्या वजह है, क्यों मतलब ये सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? देखिए इससे रिलेटेड एक रूल है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जब दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से अगर हम ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर हमें दो अनकाउंटेबल नाउन दिखाई दे और अगर उन दोनों को एंड से रिलेट किया गया है या एंड से कनेक्ट किया गया है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कम्स लिखा हुआ है वो सिंगुलर है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए इसका जो अगर हमें करेक्शन करना होगा तो करेक्ट फॉर्म होगा पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे कम्स की जगह पे क्या होना चाहिए था, कम, इसलिए हमारा ये सेंटेंस अब कम्प्लीटली राइट है। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम सेम आइडिया या किसी भी सेम कॉन्सेप्ट को एंड से रिलेट करते हैं, अगर एंड से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन जब नाउन का जो आइडिया होता है, जो भी हमारे दो सब्जेक्ट हैं अगर वो सेम आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो विन की जगह पे विंस, सिंगुलर और प्लूरल में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिंगुलर में हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, उसमें एस या ईएस लगा होता है, और जब हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो वी वन को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में रॉन्ग क्या है, मतलब ये सेंटेंस क्यों गलत है। इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जैसे यहाँ पे हिज है तो हिज हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए ही का ऑब्जेक्ट हिज होता है, लेकिन यहाँ पे वन है तो वन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वंस होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट। देखिए सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए था द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगा हुआ है जो रॉन्ग है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसके लिए नोट में एक रूल लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ। जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें इस टाइप के वर्ड मिलते हैं, अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ, तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते, द अमाउंट ऑफ है और इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मनी है तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आर नहीं होना चाहिए, उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब होगा इज। आई होप क्लियर होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। ठीक है, यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ का भी सेम है जो हमारा अमाउंट ऑफ, जब भी हमारा जब कोई भी सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है, द नंबर ऑफ होता है, वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट
कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए द नंबर ऑफ के साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे बॉयज़ के, अगर हमें रूल नहीं पता होता, जब हमें सेंटेंस को देखेंगे, जनरली द नंबर ऑफ बॉयज़ बॉयज़ के साथ आर सूटेबल लगता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ लिखा रहेगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेता है। ठीक है, ये रूल ध्यान में रहेगा तो हमें एरर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट हैज़ कम। ठीक है, ये ईच से रिलेटेड रूल है। ईच, एवरी, जो भी इस टाइप के वर्ड होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन को ही लेते हैं, मतलब ईच के साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है जनरली। और जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ठीक है, तो जब भी ईच रहेगा तो उसके साथ हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ईच बॉयज़ एंड ईच गर्ल्स, जब भी ईच के साथ अगर हमारा प्लूरल नाउन भी होता है अगर, तो भी हम हमेशा वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ईच के साथ अगर प्लूरल भी रहेगा तो भी हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर, मतलब बेसिकली हमको ध्यान क्या रखना है कि ईच के साथ हमारा जो भी वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगा और नाउन भी सिंगुलर ही यूज़ होता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम, ठीक है, यहाँ पे हम हैव अगर कर देते हैं तो वो एरर हो जाएगा उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन। देखिए इसमें हमारा रूल क्या है कि जैसे यहाँ पे तो हम जो सब्जेक्ट लिए थे वो क्या लिए थे, सिंगुलर, लेकिन कभी कभी ईच के पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये ईच है, ईच के पहले जो हमने सब्जेक्ट यूज किया है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हैव का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये है वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन। तो ये छोटा सा रूल है जिसको ध्यान रखना है कि अगर ईच के पहले हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और ईच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो ये दो रूल हैं ईच से रिलेटेड। नेक्स्ट है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। देखिए सेंटेंस में क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, आर की जगह पे अगर हम इस करते तो ये सेंटेंस कम्प्लीटली राइट होता। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ रूल हैं यहाँ पे, जैसे कुछ हमारे मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिससे रिलेटेड एक स्पेशल रूल होता है, एज वेल एज, नथिंग बट, विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, रेदर देन से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट को अगर हम इन सारे कंजक्शन टाइप का वर्ड है इससे अगर हम जोड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब यूज होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज वेल एज, नथिंग बट, विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, रेदर देन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट हमारा हो गया राम और दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज पेरेंट्स। ठीक है, इसमें ये तो हमारा सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है, तो और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एज वेल एज से, तो जो हमारा वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये जो हमारा आर होगा वो हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ की जो हमारी वर्ब है वो राम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स वॉज डोंट। देखिए इसमें द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स, दो सब्जेक्ट हैं इसमें भी, एक तो हो गया हमारा द कैप्टन और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो गया द सेलर्स। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर है बट ये हमारा प्लूरल है और ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है अलोंग विथ। रूल सेम रहेगा, जब
अलोंग विथ दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, तो जो हमारा वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये जो वॉज यूज़ हुआ है वो कैप्टन के लिए वॉज का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्लियर होगा? बस अगर हमें ये रूल पता होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, ठीक है, आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब देखिए इसमें हमारे पास दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एक तो हमारा हो गया पेशेंस और दूसरा हो गया परसर्वेंस। ठीक है, परसर्वेंस ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। पेशेंस, फीलिंग्स, थिंकिंग, थॉट्स, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो जब हम दो अनकाउंटेबल नाउन हैं या दो कोई भी सब्जेक्ट हैं उन्हें जब हम एज वेल एज से कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा वर्ब है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों ही अनकाउंटेबल है, ठीक है, और तो ये जो इज़ यूज होगा यहाँ पे वो हमारा पेशेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, और जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ जो हमारी वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो आर था वो नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह पे हमें क्या रखना है, इज़। अगर हम इस सेंटेंस में इज़ का यूज़ करते हैं एज अ वर्ब तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में होगा, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये रॉन्ग है, इसका सही फॉर्मेशन होगा पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी हम कुछ अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने लेके आएंगे।